Now we discuss the heterocyclic system. लास्ट जो लेक्चर है हमने फर्स्ट लेक्चर में हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम के बारे में स्टडी किया था, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, और उसमें हमने जो नंबरिंग के रूल पढ़े थे कि अगर वन कंपाउंड है उसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग में तो उसकी नंबरिंग कैसे होगी। अब सिक्स्थ रूल है कि जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है अगर उस केस में कोई फ्यूज्ड रिंग हो, फ्यूज्ड रिंग अटैच हो, तो हम उससे नंबरिंग कैसे करेंगे। एग्जाम्पल हमने ले ली क्यूनोलिन, क्यूनोलिन अगर फ्यूज्ड है, ये दो रिंग्स हैं, अगर इन्हें आप हम लोग इन्हें इसे ओपन करें तो ओपन करके देखेंगे एक बेंजीन रिंग है इसमें, दूसरी पाइरिडिन, जो पाइरिडिन है उसकी नंबरिंग हो रही है 1 2 3 4 5 6 और ये बेंजीन रिंग है। जब ये क्यूनोलिन में कन्वर्ट होगी, क्यूनोलिन की फॉर्म फ्यूज्ड रिंग में बनेगी, तो जो इसकी नंबरिंग है वो इधर चली जाएगी, ठीक है। जो नाइट्रोजन उसकी नंबरिंग जो है 2 और 3 ग्रुप है इधर चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर बॉन्ड है, कॉमन है, फ्यूज्ड बॉन्ड है, ठीक है, इसलिए इसकी नंबरिंग हम इधर से करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्यूनोलिडिन। जो ये ट्राइवाइल नेम्स होते हैं जो हम गिवन करते हैं फ्यूज्ड रिंग को, इसमें क्या होता है केमिकल नेम हम डिफरेंट डिफरेंट वे से करेंगे, अलग अलग वे से उसको केमिकल नेम देते हैं स्ट्रक्चर को। जैसे इसमें क्या बेंजीन रिंग के पहले क्या फ्यूज्ड रिंग में 1 और 2, ठीक है, 1 2 पोजीशन पर है पाइरिडिन के हमारे जो है, ये 1 2 है, तो इधर से अगर हम करें 1 और 2 रिंग पर फ्यूज्ड जो रिंग है वो अटैच है इसमें, ठीक है। इसलिए क्या है जो हेट्रोसाइक्लिक केमिकल नेम है जो वो इसका क्या बनेगा 2,3-dibenzopyridine, इसका 2,3 क्यों लिया हमने, क्योंकि जो पायरिडिन अगर हम लिखेंगे कॉमन स्ट्रक्चर उसकी, तो 2,3 जो बॉन्ड है वो फ्यूज्ड है, 2,3 पोजीशन इधर है और ये 2,3 रिंग का है, ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया 2,3-dibenzo, ठीक है, पायरिडिन, पायरिडिन तो ये है ही, ठीक है, हमने लिखा 2,3-dibenzo पायरिडिन इसका नाम। नेक्स्ट है जो इसमें रूल है कि अगर कोई भी फ्यूज रिंग है उसमें जो कंपाउंड्स हैं उसको हम नंबरिंग नॉट स्टार्टेड फ्रॉम हेटेरो एटम, कई ऐसे कंपाउंड्स हैं हमारे जो है केमिस्ट्री में जिनमें जो हमें स्पेसिफिक नंबरिंग जरूरी नहीं है कि हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या जो सल्फर है हमारे हेट्रोसाइक्लिक एटम्स हैं उनसे स्टार्ट करनी है, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसी से स्टार्ट करके हमने नंबरिंग शुरू करनी, कि एक्सेप्शनल केस है केमिस्ट्री में जिनकी जो है नंबरिंग वो जैसे दे रखी है वैसे ही होती है, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जैसे साइंटिस्ट ने नंबरिंग करती, ठीक है, जहाँ जहाँ पर उसका मॉलिक्यूल अटैच हो गया उसकी नंबरिंग होगी, वो नंबरिंग वैसे ही रहेगी एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसमें आइसोक्यूनोलिन, जो आइसोक्यूनोलिन है उसकी नंबरिंग हम करेंगे
से नंबरिंग नहीं देंगे। उस स्ट्रक्चर में जैसे नंबरिंग दे रखी है, जहाँ पर उसकी पोजीशन है वही उसकी स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी और उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड है इसमें जैसे एक्रेडिन, एग्जाम्पल जो एक्रेडिन है, ठीक है। एक्रेडिन में क्या है, ये भी सेम एक्सेप्शनल केस है। एक्रेडिन में भी जो नंबरिंग वो हम यहां से शुरू करेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, ठीक है। इसकी भी नंबरिंग सेम ऐसी होगी जैसे देर है। इसमें भी हम जो नाइट्रोजन उसको फर्स्ट नंबर नहीं देंगे, स्टार्टिंग यहाँ से इधर से करेंगे, कुछ भी नहीं चेंज करेंगे इसमें, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है हमारे केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है हमारा, इन सर्टेन फ्यूज्ड रिंग द हेटेरोटम डो नॉट बियर लीस्ट पॉसिबल नंबर। अब क्या है, जो फ्यूज्ड रिंग है, ये सारी क्या थी, फ्यूज्ड रिंग थी, ठीक है। फ्यूज्ड रिंग के एक्सेप्शनल केस थे जहाँ पर जो नाइट्रोजन को हम कोई भी हेटेरोटम से फर्स्ट नंबरिंग नहीं ना देकर उसकी नंबरिंग हम अदर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अब क्या है कि जो हमारे पास फ्यूज्ड रिंग्स हैं, ठीक है, उसे हम क्या है, हेटेरोटम को लास्ट नंबर जो है देने की कोशिश नहीं करेंगे। इन सर्टन फ्यूज्ड रिंग द हेटेरोटम लीस्ट नंबर, एग्जाम्पल प्यूरिन है इसकी। अब जो प्यूरिन है, प्यूरिन की हम जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे, बेंजीन है यहां पर, नाइट्रोजन है, इसको बेंजीन को हम यहां पर इसका बॉन्ड लगेगा, ठीक है, और जो है यहां पर बॉन्ड लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अमीनो ग्रुप है, नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम इसकी कैसे नंबरिंग करेंगे, इसमें कहा इन सर्टेन फ्यूज्ड रिंग हेटेरो एटम डू नॉट बियर लीस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, उसको हम पॉसिबल से जरूरी नहीं कि वही नंबर दें, एक दो, ठीक है, तीन, सॉरी ऐसे नहीं होगी, दूसरी तरफ जाएगी इसकी नंबरिंग, चार पांच छ सात, इसी की नंबरिंग ऐसे होगी, ठीक है। हम उनको कम से ऐसे जो करेंगे फ्यूज स्ट्रिंग को नंबरिंग देंगे, जरूरी नहीं उसको हमने कम नंबर देना है जहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। वो हमने कोशिश करना है फिर भी उनको जो कम से कम वो जो है नंबरिंग मिले, ठीक है।
चार पाँच छ सात आठ, यहाँ पर आएगा नौ, यही मिस्टेक होगी नंबरिंग में। जैसे अगर हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी ऐसे नंबरिंग में तो जो हमारी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सारी रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए ध्यान से नंबरिंग करना। उसके बाद ये तो थी हमारी नंबरिंग, उसके बाद है नॉर्मल क्लेचर। अब हमने नॉर्मल क्लेचर कैसे करना है, जो है नाम स्ट्रक्चर का वो कैसे लिखना है, कैसे उसको देना है। फर्स्ट हम लेंगे फाइव मेंबर्ड रिंग, अगर किसी स्ट्रक्चर में एक बॉन्ड है तो उसमें क्या लगेगा, इन, आई एन ई। अगर डबल बॉन्ड है ऑल, एक बॉन्ड है इन, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा, जैसे ये है इन अमीड फॉर अमीडाजोन लीन हो गया। इसकी जो नंबरिंग है हम ऐसे करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, फॉर अमीडाजोन लीन। उसके बाद है ऐसे अगर किसी भी हमारे जो है जो ये डबल जो ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या होगा, सैचुरेटेड बॉन्ड, ठीक है, सैचुरेटेड बॉन्ड, यहाँ पर एन अमीनो ग्रुप लग जाता है वो क्या कि सैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं। अगर किसी रिंग में दो सैचुरेटेड बॉन्ड हो, एक तो प्रेजेंट है तो इन लगेगा, अगर दो सैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट होगी, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, दो सैचुरेटेड बॉन्ड अवेलेबल है, अगर दो सैचुरेटेड बॉन्ड अवेलेबल हो तो उसके पीछे अमीडाजोलिन डाई। Okay.
आई डी क्लियर। उसके बाद है अगर सिक्स मेंबर जो हमारे साइक्लिक रिंग है उसमें तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे एग्जांपल पाइरिडीन है, ठीक है, वो क्या सिक्स मेंबर रिंग है, ये क्या पाइरिडीन सिक्स मेंबर रिंग है, एक दो तीन चार पांच छ, ठीक है। अगर सिक्स मेंबर रिंग है कोई उसमें अगर जो सिक्स मेंबर रिंग है उसमें थ्री डबल बॉन्ड हो, एक दो तीन, तीन थ्री डबल बॉन्ड हो गए, तो उसमें क्या होता है बॉन्ड जनरली उसके नाम के पीछे क्या लगता है आई आई एन ई, ठीक है, उसके नाम के पीछे क्या लगेगा आई, जैसे पायरिडे सिक्स मेंबर रिंग है, तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके नाम के पीछे क्या आई लगेगा, आई एन ई पायरिडीन, ठीक है। ऐसे सेकंड एग्जांपल है इसमें परिमा डीन की। उसके बाद है जो हमारे नेम ऑफ इट्रोसाइक्लिक रिंग है उसमें जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स यूज करेंगे वो हम क्या 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 होते हैं, ओ प्रीफिक्स क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, सल्फर का, ठीक है, नाइट्रोजन का क्या प्रीफिक्स होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। ऑक्सीजन सल्फर एंड नाइट्रोजन ये तो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक एटम। अब इसमें परफिक्स क्या यूज होते हैं, जैसे ऑक्सीजन में ऑक्सा, सल्फर में थाया, एजो एजोल, ठीक है, ये परफिक्सेस हम यूज करते हैं या पाए। सरफिक्सेस हम जो प्रीफिक्सेस वो यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल हम ले लेंगे बेंजीन ओ फाइव मेंबर रिंग है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हम पहले किसको नाम देंगे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सा नाइट्रोजन कहलाएंगे जोल, ऑक्सा जोल, हमेशा हम पहले नाइट्रोजन पहले ऑक्सीजन को नंबर करेंगे, फिर सल्फर को और फिर हम नाइट्रोजन को नंबरिंग करते हैं अगर रिंग में है, तीनों प्रेजेंट है। ऐसे अगर यहाँ पर एस लग जाए तो बन जाएगा सल्फर का थाया है, थाया जोल, क्लियर। अगर ऑक्सीजन लग जाएगा ऑक्साजोल लग जाएगा, अगर सल्फर है तो थाया जोल बन जाएगा। उसके बाद है अगर ऑक्साजोल सेम फाइव मेंबर रिंग है हमारे पास, उसमें दो डबल बॉन्ड लगे हैं और दोनों हेट्रोसाइक्लिक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, फिर ये नंबर उसमें लगता है अगर अलग अलग डबल बॉन्ड है उसमें। अगर पायरोल कैन बी आल्सो नेम इज एजोल, अगर पायरोल है जो उसको हम अदर नेम भी बोलते हैं एजोल, क्योंकि उसमें सिर्फ नाइट्रोजन अमीनो ग्रुप ही लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हम जो नंबरिंग करेंगे, नेमिंग देंगे, अभी जैसे अपने प्लस टू में भी पढ़ा है यूपीएससी नेमिंग, जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो उसका कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, वो रूल्स हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या उसके रूल्स हैं, कैसे कैसे हम लोग नंबरिंग करेंगे उसको। फर्स्ट है जो हमारे पास स्ट्रक्चर उसका पेरेंट स्केलेटन, ठीक है, जो पेरेंट है स्केलेटन है स्ट्रक्चर का, उसे हमने चूज करना है कि कौन सा है, ठीक है। सेकंड
जैसे एग्जाम्पल हम साथ साथ लेके चलते हैं। अब फर्स्ट हम नंबर यहां से करेंगे सल्फर है, क्योंकि नाइट्रोजन को हमने क्या बाद में नंबरिंग देते हैं। अगर ऑक्सीजन और सल्फर प्रेजेंट है इसमें लिखने में, तो हम पहले ऑक्सीजन, अगर सल्फर है तो सल्फर को नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। ये 5 मेंबर रिंग है, तो हमने पहले 5 इसमें नंबरिंग कर दी। अब फर्स्ट रूल क्या कहता है, हमने पहले पेरेंट स्केलेटन जो स्ट्रक्चर है उसको सिलेक्ट करना है, जिसका हम नाम है लास्ट में लिखते हैं। इसमें पेरेंट स्ट्रक्चर कौन सी है, ठीक है। सेकंड है, अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स है कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम उसको अलग अलग से नंबरिंग देंगे। अगर उसमें एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको अलग अलग नंबरिंग दे देते हैं, ठीक है। उसमें अगर इसके साथ यहाँ पर कोई और ग्रुप अटैच होगा, तो उसके हम अलग नंबरिंग दे देंगे। थर्ड है, जो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर प्रीफिक्स लगता है, फिर नंबर्स आते हैं। पहले हम नाम लिखेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, फिर उसका हम प्रीफिक्स लिखते हैं, जैसे ऑक्सा, एजा, थायो, फिर उसको हम नंबरिंग, और फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उसको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। फाइनली विद द नेम ऑफ पेरेंट स्ट्रक्चर स्केलेटन स्ट्रक्चर, जब पूरा नाम लिख दे उसके बाद हम उसका जो है पेरेंट स्ट्रक्चर्स का नाम लिखेंगे। अब हम जैसे पहले है एसीटा जोलामाइड, ये किसकी एग्जांपल है, ये है पेरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, 1 3 एंड 4, ये क्या है, थाया, ठीक है। पूरी स्ट्रक्चर का नाम क्या है, डाई, दो बन गए एजो, एजोल मतलब ये है नाइट्रोजन का, एजोल आ गया 1 3 4 डाई थाया डाइजोल, 1 3 4 थाया सल्फर का डाइजो, ये इस स्ट्रक्चर का जो पेरेंट स्केलेटन है उसका नाम है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इसमें जो सेकंड रूल था कि इसके अब सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है, C2 पर, ठीक है। ये है एसिटामाइडो ग्रुप, एसिटामाइडो ग्रुप पर अटैच है C2 पर, और ऐसे ही जो फिफ्थ पोजीशन है उस पे कौन सा ग्रुप अटैच है, सल्फोनाइल, ठीक है, सल्फामोइल ग्रुप। सल्फामाइल ग्रुप अटैच है उसमें। इसको हम अब दो पॉइंट हमारे हो गया, अब इसको हम नेम कैसे देंगे, इसका नाम है जो वो कैसे लिखेंगे, हमने पहले क्या अल्फाबेटिकली देखना है, अल्फाबेटिकली हमने लिखना है। जैसे पहले क्या आता है ए एस फिर टी, अल्फाबेटिकली लिखना हमने। अब एसिटाजोमाइड है, हमने ये लिखना है किस पोजीशन पे, 2 के बाद हाइफन एसिटामाइडो ग्रुप एसिटामाइडो, फिर कोमा, ठीक है। फिर कौन सा है फिफ्थ पोजीशन पर,
सल्फोमाइल ग्रुप, फाइन हाइफन सल्फोमाइल, फिर उसके बाद क्या आ जाता है हमारा टी, मतलब पेरेंट रिंग, सल्फोमाइल पेरेंट रिंग हम लिखेंगे, उसके बाद है कोमा 1, 3, 4 थाया डायाजोन। ठीक है, पहले तो था 2 एसिटामाइडो, ठीक है, अल्फाबेटिकली हम उसे नाम देंगे, पहले नंबरिंग लिखेंगे, फिर हाइफन है, ठीक है, फिर हम नाम, फिर उसका कोमा डालेंगे, फिर आगे नंबरिंग देंगे, हाइफन फिर नाम फिर कोमा डाल के उसको लिखेंगे। अगर 2, 3, 4 ऐसे लिखना है तो उसमें कोमास डालेंगे हम, ठीक है। अब इसका नाम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम पहले लिखेंगे 2 एसिटामाइडो, 5 सल्फोनाइल, फिर 1, 2, 3, 4 थायाडायाज़ोल, ठीक है। अब सेकंड है क्लोरक्रोमाजीन, सेकंड एग्जांपल है हमारी क्लोरक्रोमाजीन। क्लोरक्रोमाजीन है स्ट्रक्चर्स में 3 फ्यूज्ड रिंग है, ठीक है, तीनों में ये फ्यूज्ड रिंग है, तीनों में सल्फर और नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए थाया और जोल आएगा इसमें। उसके बाद है इसकी हम नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग करेंगे। इसमें जो क्लोरीन है उसको हम लास्ट में कम से कम वाला नंबर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके साथ ये एक और जो है चेन अटैच है, उस चेन को हम अलग से नंबरिंग देंगे। जैसे हमने रूल में सेकंड पॉइंट पढ़ा था, अगर स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है तो उसकी जो अलग से चेन है उसे अलग नंबरिंग देंगे, 1, 2, 3, ठीक है। अब इसका नाम हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, ठीक है, 2 पोजीशन पे क्लोरो है, 2 क्लोरो, 10 पोजीशन पे क्या हमारी ये रिंग अटैच है, ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे 10, फिर हाइफन 3-डाइमिथाइल, ये 3 ग्रुप है, इसमें क्या है 2 मिथाइल अटैच है, 3-डाइमिथाइल इसका अमाइनो आ गया, ठीक है, अमाइनो प्रोपाइल फिनोथायाजीन, इस पूरी रिंग को हम बोलेंगे फिनोथायाजीन, 2 क्लोरो, 10, 3-डाइमिथाइल पायरा डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप अमीनो पायरोल फिनोथायाजीन इसका नाम पड़ जाएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।